वेलकम टू डाटा। आज की इस वीडियो में हम एलसीडी पैनल के बारे में बात करें, जो कि बीसीडी का पैनल है। तो उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अब बात करते हैं इस एलसीडी पैनल की, जो कि एक पुराने बीसीडी में से निकाला है। तो ये इस तरह था, इसके बीच में लगा हुआ था, तो इसे हमने इसके ऊपर से निकाल लिया है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट एलसीडी डिस्प्ले है, तो ये भी काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो ये एक बैकलाइट पैनल है, जो कि एलसीडी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक्चुअली में बैकलाइट प्रोवाइड करता है एक ट्रांसपेरेंट एलसीडी को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो इस सर्किट बोर्ड में कुछ स्विच बटन भी थे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए यूज़ किए जाते थे। तो एक तरह से ये एनालॉग टाइप में भी यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पर ये ड्राइवर आईसी है, जो कि डिस्प्ले के लिए और इन स्विच को भी ड्राइव करता है। तो चलिए अब बात करते हैं अब इस पैनल की। तो ये देखें, इस तरह से ये पैनल को सेपरेट किया है। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पर ब्रीड बोर्ड का यूज़ करूँगा, तो इसे मैंने ब्रीड बोर्ड पर कनेक्ट कर लिया है। तो ये लगभग रेडी हो चुका है। तो जहाँ पर मैं एक 7808 वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ करूँगा, जो कि पुराने बीसीडी में से ही निकाला है। तो ये जो पैनल है वो मैक्सिमम 8 वोल्ट पर वर्क करता है। तो ओनली जो बैकलाइट पैनल है वो ही 8 वोल्ट पर ही वर्क करता है। तो अब इसको सप्लाई भी देंगे हम 8 वोल्ट डीसी। फ़िलहाल मेरे पास 8 वोल्ट डीसी सेपरेट सप्लाई नहीं थी, तो इसलिए मैं इस वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ पर मैं 12 वोल्ट डीसी दूंगा और जहाँ से ही रेगुलेट होकर ये 8 वोल्ट की सप्लाई निकालेगा। तो ये लगभग हमने कनेक्ट कर लिया है वायर। अब हम इस एलसीडी पैनल को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये बैक लाइट को कनेक्ट किया है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये एक ग्रीन एलईडी लाइट थी, तो ये इस तरह से इस पैनल को बैक लाइट प्रोवाइड करता है। तो सेम प्रोसीजर ही हमारे जो स्मार्टफोन होते हैं उस पर भी यूज़ किया जाता है। आपको बता दूं कि इस प्रोसेस में होता यह है कि जो आपकी पिक्चर है वो ट्रांसपेरेंट एलसीडी पर बनती है, और उसको जो बैक लाइट है वो एलईडी प्रोवाइड करती है। तो वो काफ़ी स्पेशल एलईडीज होते हैं, तो इस तरह से वर्क करता है। तो जहाँ देखिए, ये एक तरह से रेडी हो चुका है। तो जहाँ पर जब भी मैं इसे सिग्नल देता हूँ तो ये अच्छे तरीके से वर्क करता है। ये देखिए, बहुत ही सेंसिटिव है ये। तो ये जो पैनल है वो बहुत ही कम करंट पर वर्क करता है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 मिली एम्पियर। ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर इसे कुछ लॉजिक ड्राइव भी चाहिए होंगे, जिससे कि ये अच्छे से इस एलसीडी पैनल पर जो पिक्चर है वो शो करें। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसे इस तरह से ही रन कर रहा हूँ। जस्ट लाइक कि जैसे हमारी मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उस तरह से ये वर्क करता है। तो जहाँ पर इसे 5 वोल्ट का सिग्नल देते हैं, तो जिससे कि ये और भी अच्छे से वर्क करेगा। तो वैसे तो उसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं जहाँ पर इसे सिग्नल देख के देखता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो
तो यहाँ पर जब भी मैं इसे 5 वोल्ट का सिग्नल देता हूँ तो मुझे अच्छे से मैट्रिक्स नहीं शो कर रहा, और इस पे जो पॉइंट है वो अच्छी तरह से शो नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे पास जो लॉजिक ड्राइव वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये शो नहीं हो रही। तो फिलहाल हम इसी से ही काम चलाते हैं, तो देखते हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो इस एलसीडी के पैनल के साथ एक और माइक्रो कंट्रोलर था, जो शायद इसका कुछ एल्गोरिथम होगा जिससे कि ये अच्छी तरह से इस पर पिक्चर शो करता होगा। फिलहाल वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ही मैं इसको ऐसे ही रन कर रहा हूँ। तो ये पैनल लगभग 60x4 मैट्रिक्स एलसीडी की तरह वर्क करता है, तो जहाँ पर ये लगभग अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो यहाँ देखिए इस तरह से ये काम करता है कि जब भी इसे कोई 5 वोल्ट का सिग्नल मिलता है तो ये जहाँ पर कुछ मैट्रिक्स शो करने लगता है। तो ये देखिए, तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर मेरे पास लॉजिक ड्राइव होता तो इसे पूरी तरह से ही रन करके दिखाता, तो फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस तरह से ही ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर एक बार नोटिस करने वाली है कि जो इसकी जो ट्रांसपेरेंट एलसीडी डिस्प्ले है, इसमें जो लिक्विड है वो काफ़ी तरह से डैमेज हो चुका है, इसलिए ये कुछ अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।